हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट और H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है। बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट होने वाला है, तो आप ऐसा कुछ भी घर पर या फिर कहीं पर भी करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत डेंजर हो सकता है। हम पूरी सावधानी से करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो एक्सपर्ट की निगाह में होते हैं, कृपया आप ऐसा कुछ भी करने की कोशिश ना करें। तो गाइस, देख सकते हैं आप, ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है और ये हमारे पास बोतल है। इसमें हम डालेंगे इस बोतल में सल्फ्यूरिक एसिड को। तो चलिए इसको पलटते हैं। हल्का सा हम सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे जिससे कि बर्बाद ना हो। बस 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 बस। तो हमने गाइस, देख सकते हैं आप, हमने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल लिया है और अब हम इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं। तो गाइस, इसमें हम डालते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, देख सकते हैं आप, ये हमारे हाथ में पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं इस सल्फ्यूरिक एसिड में। देख सकते हैं आप, देख सकते हैं गाइस, ये कितनी तेज धमाका हुआ है इसके अंदर। डालते ही इसको बहुत तेज वेपर्स निकलने लगे, देख सकते हैं ब्लैक हो गई पूरी बोतल। तो गाइस, हम इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा करने की कोशिश करते हैं। इस बोतल में डालते हैं, इस बड़ी बोतल में सल्फ्यूरिक एसिड और फिर इसमें डालेंगे पोटेशियम परमैंगनेट और आपके थोड़ा दूर हट जाएंगे, क्योंकि पहले बिल्कुल ही हम उसके करीब खड़े थे। तो इसमें सेफ्टी का बहुत ध्यान है गाइस, इसलिए आप ऐसा कुछ भी करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो चलिए इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं। तो गाइस, इस पोटेशियम परमैंगनेट को हम इस गत्ते में कर लेते हैं जिससे कि हमें कुछ नुकसान ना हो। पिछली बार हमने ऐसा किया था तो हमारे साथ एक साथ पोटेशियम परमैंगनेट डालने की वजह से सल्फ्यूरिक एसिड में धमाका हो गया था हवा की वजह से। लेकिन अब हम इससे दूर हट जाते हैं और इसमें मैंगनीज हेप्टोक्साइड ये बन चुका है गाइस, देख सकते हैं आप। देख सकते हैं गाइस, इसमें धमाका हो चुका है, देख सकते हैं इसमें धमाका हो चुका है एक साथ अपना आप ही। ये कोई भी ऑर्गेनिक चीज, इसमें बस थोड़ा सा हवा का तिनका गया था उसकी वजह से इसमें धमाका हो गया। तो गाइस, आप देख सकते हैं इसमें कितना तगड़ा ब्लास्ट हुआ। आप ऐसा कुछ भी घर पर या कहीं पर करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत इसमें रिस्क है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।